कैसे हो? मजा मा स्वागत है टॉप 10 फ्लॉप मूवीज ऑफ हॉलीवुड के एक नए एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 10 हॉलीवुड मूवीज जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था, और इसमें कुछ ऐसा भी मूवी है कि किसी भी एंगल से फ्लॉप नहीं लगता है। पर फ्लॉप क्यों है इस वीडियो के अंदर हम खोल के डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी बकवास की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, विरीडियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लेनेट। काफ़ी लंबा टाइटल है हाँ। तो ये मूवी एक बहुत बड़ी बजट पे बनाया हुआ एक साइंस फिक्शन स्पेस मूवी है। मूवी की रिलीज होने से पहले काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशन था इस मूवी के बारे में, और जब ये मूवी रिलीज हुआ तो इस मूवी का बैन ही बच गया। ऐसा नहीं है कि ये मूवी पूरी तरह से बेकार है। अगर इस मूवी के बारे में मैं अपनी राय दूं तो ये ठीक ठाक, ना ज़्यादा अच्छा ना बुरा, एक बार तो देख ही सकते हैं। और इस मूवी की बजट और पूरी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करो तो इस मूवी का बजट है 200 मिलियन, और मूवी ने कमाई की है 226 मिलियन डॉलर। और इस नंबर को देख के आप समझ सकते हैं कि इस मूवी का क्या हालात हुआ होगा, और ये मूवी एक फ्लॉप मूवी बन के ही रह गया। नंबर टू, किंग आर्थर लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड। क्या लगता है आपको इस मूवी को देखना चाहिए कि नहीं? अगर मैं अपनी राय दूँ तो इस मूवी के बारे में तो इस मूवी से दूर रहना ही बेहतर है। ये मूवी पूरी तरह से बकवास, बेकार, टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि आप सब इस मूवी से वाकिफ होंगे, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि पूरी तरह से बेकार है। और इस मूवी के बारे में ज़्यादा बात करना भी कोई मतलब नहीं बनता है, और ये ही अच्छा होगा। और सीधा सीधा इस मूवी की बजट और कमाई के बारे में बात करो तो इस मूवी की बजट है 175 मिलियन डॉलर, और इस मूवी ने कमाई की है 139.6 मिलियन डॉलर, और ये भी एक फ्लॉप मूवी बन के रह गया। नंबर थ्री, मोटर इंजिन्स। क्या आपने मोटर इंजिन्स मूवी देखी है? अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये मूवी फ्लॉप होने के बावजूद भी काफ़ी दाम रखती है। इस मूवी की कंसेप्ट ही इस मूवी का शान है। सच कहूँ तो इस मूवी का कंसेप्ट मुझे बहुत पसंद आया है, बेहद ही ऑसम है, और किसी भी एंगल से ये एक फ्लॉप मूवी नहीं लगता है। और इस मूवी के बारे में मैं अपनी राय दूँ तो ये मूवी ठीक ठाक है, एक बार देखने का लाइक मूवी तो है। और इस मूवी का बजट है 100 मिलियन डॉलर, और इस मूवी ने कमाई की है 85.3 मिलियन डॉलर, और ये मूवी भी बाकी मूवी की जैसा ही अपनी बजट तक कवर नहीं कर पाया है। और ये बात तो हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे पीट जाते हैं। नंबर फोर, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। अगर आप जैकी चैन की फैन हो तो आपने इस मूवी को ज़रूर देखा होगा। इस मूवी के अंदर स्टीव कोगन जैकी चैन जैसा मशहूर एक्टर ने प्ले किया था, फिर भी ये मूवी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया है। चाहे ये मूवी फ्लॉप हो पर जैकी चैन आपका टाइम ज़रूर वसूल करके देता है। और इस मूवी की बजट और कमाई के बारे में बात करो तो इस मूवी का बजट है 110 मिलियन डॉलर, और इस मूवी ने कमाई की है 72 मिलियन डॉलर, और बजट के हिसाब से ये नंबर बहुत कमती है, और ये भी एक फ्लॉप मूवी बन के रह गया। नंबर फाइव, गॉड्स ऑफ इजिप्ट। तो इस मूवी से काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशन था, पर जब ये मूवी रिलीज हुआ तो ये मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। मूवी की बात करें तो मूवी ओके ओके है। मूवी के अंदर कुछ अच्छा था तो मूवी के कैरेक्टर काफ़ी एपिक रोल निभाने का काम करता है, फिर भी ये मूवी बीच बीच में बहुत ज़्यादा ढीला पड़ जाता है। एंडिंग में आके तो और भी ज़्यादा ढीला पड़ जाता है। यही रीज़न है कि आप इस मूवी को एक बार देख लो तो दोबारा देखने का मन नहीं करेगा। और मूवी की बजट तो कमाई के बारे में बात करो तो इस मूवी का बजट है 140 मिलियन डॉलर, और इस मूवी ने कमाई की है 138.8 मिलियन डॉलर, और कहना पड़ रहा है कि अफसोस। नंबर सिक्स, रोबिन हुड। तो ये नाम कितना पॉपुलर है ये आप जानते हैं। तो इसी नाम पर लाइव एक्शन मूवी बना था 2018 को,
पर ये मूवी पूरी तरह से हमारी एक्सपेक्टेशन को पानी पानी कर दिया। इस मूवी के अंडर जिमी फॉक्स जैसा मशहूर एक्टर ने काम किया था, फिर भी ये मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो मूवी को एक बार देखने में ही मज़ा आता है, एक बार देख लिया तो दोबारा देखने का मन नहीं करेगा। और मूवी की बजट और कमाई के बारे में बात करो तो इस मूवी का बजट है $99 मिलियन और इस मूवी ने कमाई की है वो आप खुद इस नंबर को देख लो। नंबर 7, लैंड ऑफ द लॉस। कमेंट करो कि आपने इस मूवी को देखा है कि नहीं। मूवी के बारे में बात करो तो मूवी पूरी तरह से कचरा है, बहुत बकवास साइंस फिक्शन मूवी है। खास बात तो ये है कि इस मूवी के अंदर जो डायनासोर देखने को मिलता है, स्टूडियो वालों ने उन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च की है, जो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बकवास है। मूवी की बजट और कमाई के बारे में बात करो तो इस मूवी का बजट है $100 मिलियन और इस मूवी ने कमाई की है $69.5 मिलियन और ये भी एक फ्लॉप मूवी बनकी रह गया। नंबर 8, कॉनन द बारबेरियन। तो इस मूवी का भी वैसे ही हालात है बाकी मूवीज़ की तरह। मूवी का अंडर डीसी का एक्वामैन जॉन मामुआ जैसा मशहूर एक्टर ने प्ले किया था। ये मूवी एक अंडर रेटेड है, फिर भी अंडर रेटेड कहने का लायक ही नहीं है। अगर आप इस मूवी को एक बार देख लो तो दोबारा देखने का मन नहीं होगा। इसलिए सीधा सीधा मूवी की बजट और कमाई के बारे में बात कर लेते हैं। इस मूवी का बजट है $90 मिलियन और इस मूवी ने कमाई की है $63.36 मिलियन और ये भी एक फ्लॉप मूवी बन के ही रह गया। नंबर 9, फैंटास्टिक फोर। तो मैं बात कर रहा हूँ 2015 वाली फैंटास्टिक फोर के बारे में, जिसके बारे में बात नहीं करो तो अच्छा है। और एक अच्छा रीज़न भी है इस मूवी को जान लेने में, क्योंकि इस मूवी ने सबसे ख़राब मूवी होने का रिकॉर्ड अपने नाम पे किया हुआ है और इस मूवी के बारे में ज़्यादा लोग जानते भी नहीं होगा। पर हीरो वाली मूवी है तो कुछ इज्जत तो कर लिया होता। इतना अलग बना दिया गया कि किसी भी एंगल से फैंटास्टिक फोर मूवी नहीं लगता है। अब डॉक्टर डोम को ही देख लो, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये डॉक्टर डोम है और ये किसी भी एंगल से डॉक्टर डोम लगते ही नहीं है। और इस मूवी की कमाई और बजट के बारे में तो आप छोड़ ही दो। नंबर 10, कैट वूमेन। ये डीसी की सबसे बकवास और ख़राब मूवी में से एक है और मेरा यही कहना है कि आप इस मूवी से जितना दूर रहेगा उतना ही बेहतर होगा। बेकार में अपना टाइम वेस्ट ना करो। और इस मूवी के बारे में कुछ अच्छा अच्छा कहने के लिए कुछ है तो नहीं है, टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। और इसलिए सीधा मुद्दे पे बात कर लेते हैं। इस मूवी का बजट है $100 मिलियन और इस मूवी ने कमाई की है $82.1 मिलियन और मुझे लगता है कि इस मूवी का प्रोड्यूसर को हार्ट अटैक आ गया होगा। तो ये था वो 10 मूवी जो बुरी तरह से फ्लॉप है। तो इस वीडियो को हम यहीं अंत करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड और नई टाइम पर।